एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किन विधि को आप युक्त समझते हैं? तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ रखी है, आप उस विधि से इस क्वेश्चन को स्वयं हल कर सकते हैं। वज्र गुणनखंड विधि से इसे हम इस प्रकार हल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इसे बच्चों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 8x + 5y - 9 = 0, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x + 2y - 4 = 0। ठीक है, अब हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स के अपॉन में, जब हम एक्स के अपॉन में लिखेंगे तो ये छोड़ दिया जाता है, इस तरीके से तिरछी गुणा होती है 5 और -4 की - 2 और 9 की, माइनस का बाई लगाकर अब बाई वालों को छोड़ दिया जाएगा, 8 और -4 की - 3 और 9 की। ठीक है, 1 अपॉन, जब हम अचर पद की बात करेंगे तो 8 और 2 की - 3 और 5 की, तो ये हो जाएगा बच्चों x = 5 + 20 - 2 + 18 - 22 - - 32 - - 27 + 1 = 16 - 15। x - 2 प्राप्त होगा, -22 - 5 प्राप्त होंगे, 1/1, x - 2 = माइनस से माइनस कट गया, y/5 = 1। ये जो x - 2 है वो 1 के बराबर होगा, यानी x का मान -2 प्राप्त होगा, y/5 = 1 और y = 5। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और